अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। जिंतूर तहसील स्थित बोरी गांव में आज तारीख 6 सितंबर 2023 बुधवार के सुबह 10 बजे बारिश होने के लिए नमाज इस्तिस्का बोरी गांव के ईदगाह मैदान में सभी मुस्लिम समाज भाइयों ने एक जगह आकर नमाज अदा की है और उसके बाद 45 मिनट तक दुआएं की गई। बारिश के दिन होने के बावजूद बारिश न होने की वजह से किसान इंसान जानवरों के लिए पीने के पानी की तक समस्या निर्माण होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल बारिश का समय होने के बावजूद खेतों के फसल पानी नहीं मिलने की वजह से जलते हुए खराब हो जा रही है। आने वाले दिनों में जानवरों के लिए चारे की परेशानी होगी, उसी तरह इंसान और बेजुबान जानवरों के लिए पीने के पानी की भी किल्लत हो सकती है। इन परेशानियों को दूर करते हुए रहमत वाली बारिश होने के लिए बोरी स्थित मुस्लिम समाज भाइयों ने बोरी के ईदगाह मैदान पर एक जगह जमा होकर मौलाना मसूद साहब इनके नेतृत्व में आज तारीख 6 सितंबर 2023 सुबह 10 बजे ईदगाह मैदान में नमाज इस्तिस्का अदा की गई। आज तारीख 6 सितंबर 2023 बुधवार के रोज सुबह 10 बजे ये नमाज अदा करने के बाद लगातार 3 दिन नमाज अदा की जाएगी, जिसमें 7 और 8 तारीख के दिन भी ये नमाज अदा की जाएगी। ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा का पहला वर्धापन दिन, परभणी कांग्रेस की पद यात्रा और उसी साथ निषेध मोर्चे का आयोजन, इन सभी बातों को लेकर परभणी जिला और शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से आज तारीख 6 सितंबर 2023 बुधवार के रोज जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक विधायक सुरेश राव वरपुड़कर इनके अध्यक्षता में ली गई। परभणी जिला और कांग्रेस कमेटी पद यात्रा और निषेध मोर्चा तारीख 7 सितंबर 2023 बुधवार के रोज 1 बजे कांग्रेस कमेटी शनिवार बाजार यहां से निकलते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज पुतला इलाके में ये इसका समारोप होगा। इस पद यात्रा और मोर्चे में मराठा भाइयों के अलावा कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल रहे, ऐसा आह्वान इस बैठक में पूर्व सांसद तुकाराम रेंगे पाटिल, सूर्य दादा देशमुख, रामभाव घाड़गे, भगवान दादा वाघमारे, नदीम इनामदार, पंजाब देशमुख, नाना राउत, मलिका गफ्फार, दुरानी खानम मैडम, सैयद अतीकुर रहमान, खदीर लाला हाशमी, पूर्व सभापति गुलमीर खान आदि ने किया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जालना जिले के अंतरवाली सराटी इस गांव में मराठा समाज को आरक्षण दिया जाए, इस मांग को लेकर जरांगे पाटिल और सकल मराठा समाज अनशन पर बैठा हुआ था। इस अनशन आंदोलन में पुलिस ने जो लाठीचार्ज बरसाया उसका निषेध तमाम जिले में और राज्य में किया जा रहा है। उसी को देखते हुए 6 सितंबर 2023 बुधवार के रोज परभणी जिले के विविध सामाजिक संगठनों की ओर से, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, कुरैशी, सोनार समाज और अन्य सभी समाज के लोग, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, छात्राएं, महिलाएं, व्यापारी, वासुदेव समाज, किसान, कामगार, मजदूर और अन्य सभी मराठा समाज को अपना आरक्षण मिलने के खातिर पूरी तरीके से समर्थन दर्शाते हुए धरना आंदोलन किया जा रहा है। 6 सितंबर 2023 से सुबह 11 बजे से लेकर यहां पर आंदोलन पर छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के सामने अनशन मैदान पर सभी अपना आंदोलन छेड़ते हुए जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, ऐसा बताया गया है। महाराष्ट्र में अकाल का माहौल नजर आते हुए बारिश कम हो जाने से किसानों को बड़े मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल मराठवाड़े में पूरी तरीके से अकाल घोषित करे, इस मांग को लेकर किसान और विविध संगठनों की ओर से राज्य शासन को निवेदन दिए जा रहे हैं और 25% अग्रिम राशि दी जाए किसानों को, ऐसी मांग की जा रही है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया था कि सितंबर महीने में किसी प्रकार की कोई बारिश नहीं होगी, लेकिन आज मौसम विभाग ने दिलासा देते हुए, राहत की सांस लेते हुए 2 से 3 दिन में राज्य के कई इलाकों में बारिश गिरने की संभावना जताई है, जिसमें डॉक्टर होसड़ेकर इन्होंने दिए हुए जानकारी के तहत 6 सितंबर और 7 सितंबर के दौर ये 2 दिन राज्य के बहुबल इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस समय सर्दी का माहौल रहेगा, ऐसा भी जताया गया है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कुछ इलाकों में विदर्भ के वहां पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से दिए गए जानकारी के तहत कोकण के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और मध्य महाराष्ट्र के सातारा, सोलापुर, मराठवाड़ा के उस्मानाबाद, लातूर, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड़ और विदर्भ के बुलढाणा, अकोला, वाशिम, यवतमाल, अमरावती, वर्धा, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, इन जिलों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताते हुए चंद्रपुर, गढ़चिरौली में बारिश के तहत ऑरेंज अलर्ट किया गया है। आज तारीख 6 सितंबर 2023 बुधवार के रोज परभणी शहर में 5 बजे के दरमियान जोरदार हवाओं के साथ धीमी बारिश हुई, जिससे कुछ जगहों पर गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आई।
पुरानी बीमारियों की शर्तीय इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोढ़ की बीमारी, गाठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी, सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक, संपर्क 9921691008। परभनी राज्य उत्पादन शुल्क भरारी पथक परभनी इंगोली के पीआई इन्हें मिली जानकारी के तहत परभनी तहसील के पोखरनी से पाथिर रास्ते के भारतवाड़ा टी पॉइंट इस रास्ते पर एक सिल्वर कलर की फोर व्हीलर कार जिसका क्रमांक MS20BC7064 स्विफ्ट VDI ये फोर व्हीलर गाड़ी से कुछ अवैध शराब आ रही है। ऐसी मिली जानकारी के तहत 5 सितंबर 2023 के रात और 6 सितंबर 2023 के मध्य रात्रि 1:30 बजे के दरमियान परभनी के राज्य उत्पादन शुल्क के PI इनके पथक ने जाल बिछाते हुए उस आने वाली गाड़ी को रुकाया और उसकी छानबीन करने पर उस गाड़ी में गोवा राज्य में बिकाए जाने वाले विदेशी शराब के ब्रांड जिसमें मैकडॉल नंबर 1 विस्की, एम्पीरियल ब्लू, रॉयल स्ट्रांग, इस तरीके के विदेशी शराब और रॉयल स्ट्रांग विस्की के कुल 1000 ब्राउन कैप ऐसे फोर व्हीलर में पाए गए और एक मोबाइल और अपराधी विश्वजीत दयानंद कोमटवार रहने वाले कोमटवार गली धारूर तहसील धारूर जिला बीड इन्हें हिरासत में लिया गया है। फोर व्हीलर का ड्राइवर भागने में कामयाब हुआ है। अपराधी एक को हिरासत में लेते हुए उसके खिलाफ महाराष्ट्र शराबबंदी कानून 1949 के कलम 65 ई और 80-83-90-108 के तहत अपराध क्रमांक 399/2023 के नोन की गई है। जब्त किए गए मुद्देमाल में तकरीबन 4,51,080 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया गया है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। मित्र मंडल आयोजित माखन चोर दही हंडी महोत्सव मंडप बनाने के उद्घाटन आज तारीख 6 सितंबर 2023 बुधवार के रोज स्टेडियम मैदान में इसका उद्घाटन किया गया। संजीवनी मित्र मंडल की ओर से सामाजिक बांधिलकी को देखते हुए विशेष उपक्रम करवाए जाते हैं। स्टेडियम मैदान परभनी में इस माखन चोर दही हंडी उत्सव का मंडप बनाने का उद्घाटन आज भाजपा के परभनी विधानसभा प्रमुख आनंद भरोसे इनके हाजिरी में ये उद्घाटन किया गया। इस दही हंडी के प्रमुख आकर्षक के तौर पर रहने वाली मशहूर गौतमी पाटिल ये आमंत्रित की गई है। उद्घाटन के समय आनंद भरोसे, संजय शेड़के, एडवोकेट NDD देशमुख, मोहन कुलकर्णी, कमल किशोर अग्रवाल, भीमराव वायवड़, पूर्व नगर सेवक रितेश जैन, प्रशांत सांगड़े, मुकुंद खिल्लारे, मंगलाताई मुदगलकर, मधुकर गवाने, संदीप जाधव, विजय दराड़े, अनूप शिरकर के साथ बड़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता इस समय हाजिर थे। आज तारीख 6 सितंबर 2023 बुधवार के रोज परभनी शहर के सुभाष रोड स्थित एक्टिव बालवाड़ी में कृष्णा जन्माष्टमी के त्योहार को लेकर बड़े उत्साह के साथ छोटे बच्चों को यहां कृष्णा बनाया गया और राधाएं और गोपियों को बनाकर एक अच्छा कार्यक्रम लिया गया। जिस कार्यक्रम को देखते हुए एक्टिव बालवाड़ी में आए हुए सभी छात्र राधा कृष्णा के वेशभूषा परिधान करते हुए अपना सुंदर नृत्य कर यहाँ पे आए हुए सभी बालकों को एक लुभाते हुए नजर आए, जिसमें जय कन्हैया लाल की ऐसे जयघोष दिए गए। छात्राओं को इस समय पालकों ने देखकर एक अपना अलग ही मनोरंजन करता हुआ नजर आए। इस कार्यक्रम के लिए एक्टिव बालवाड़ी के शिक्षिका न्यूतन भवसार, अनिता घन, अचरना शिंदे, दीपा फुटाने, सोनाली कुलकर्णी, राधिका चौहान, सीमा कोटेकर, अमराज कुलकर्णी आदि हाजिर थे। इस कार्यक्रम की संकल्पना एक्टिव बालवाड़ी के संचालिका आशा कोलपेकवार इन्होंने की है। इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए यहाँ के शिक्षकों ने मेहनत ली है। नमस्कार, मी आशा कोलपेकवार एक्टिव बालवाड़ी मधून बोलते आहे। मागच्या 20 वर्ष झाले मी बालवाडी सुरू होते, फक्त लेकरांच्या संस्कार लेकरांना संस्कार मिळावे आणि तेही चांगल्यापैकी संस्कार मिळावे, प्रत्येक सण वार कसा केला जातो, आपली संस्कृती म्हणजे काय आहे, आपल्या ह्याच्यात काय काय शिकवतात, कृष्णाला मुखपीस कशासाठी लावतात, कृष्णाला काजळ कशासाठी लावतात, कृष्णाचे आई कोण, कृष्णाचे बाबा कोण, कृष्णाचा वनवासाचा आणि तो कुठे जन्म झाला, या सगळ्या गोष्टी आम्ही मागच्या आठवडाभर त्या मुलांकडनं करून घेतल्या आणि मुलांकडनं आज वेशभूषा करून घेतली, कारण सगळेजण कृष्ण तयार झाले, सुंदर सुंदर राधा तयार झाल्या, सगळ्या पालकांनी तेवढा सहभाग घेतला, एकापेक्षा एक कृष्ण, एकापेक्षा एक राधा, त्या राधा कशासाठी आहे, कृष्ण कशासाठी आहे, प्रेमाचं प्रतीक कसं आहे, त्याच्या आईचं नाव काय आहे, हे लेकरांना अगदी सगळं माहिती आहे, सगळे स्तोत्र शिकवणं आणि आज काय खायचं आहे, आज कशाचा उपवास करायचा आहे आणि उद्या कशा कोणता काल आहे ह्याचीही माहिती मुलांना सांगितली। होईल तेवढं माझ्या शाळेमध्ये, माझ्या बालवाडीमध्ये मुलांना छान माहिती द्यायचा प्रयत्न करते आणि माझ्या बालवाडीतून मुलगा गेलेला हा देशाचा चांगला नागरिक बनावा ह्याची मात्र मी काय आपले प्रत्येक सण आम्ही चांगला साजरा करण्याचा प्रयत्न करतो, त्याची माहिती द्यायचा प्रयत्न करतो, त्याची वेशभूषा ते कशासाठी करतात तेही प्रयत्न करतो, प्रत्येक ॲक्टिव्हिटीज वर्गात होते
सणाची प्रत्येक कोणत्याही हिंदू मुस्लिम शीख ईसाई सगळे धर्माचे आम्ही तसं सेलिब्रेशन करतो आणि छानपैकी करतो की जे मुलांना उत्साह वाटावा हे कशासाठी केले त्याची माहिती पण पूर्ण आहे. सुरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दिगर समस्याओं का इलाज हमारे पास, हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ, पूरी तरह से कुदरती व खालिस प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे. हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, जेलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे. पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए. चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने. एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड परभनी, 8421522947, 8669131304. मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. आज तारीख 6 सितंबर 2023 बुधवार के रोज परभनी शहर के कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभा हॉल में भारत राष्ट्र समिति की ओर से भारत राष्ट्र समिति के प्रदेश अध्यक्ष मानिक राव कदम इनके अध्यक्षता में पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी. इसी बैठक में परभनी विधानसभा समन्वयक जाफर तरोड़कर इनके नेतृत्व में भारत राष्ट्र समिति में प्रवेश करने वाले जिसमें विशेषकर रहीम खान, मंगेश भंडारे, हसन शेख, शेख इस्माइल, कय्यूम कादरी, शेख इमरान, विकास धापसे, शोएब सिद्दीकी के साथ अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने अन्य पक्षों से विदाई लेते हुए भारत राष्ट्र समिति में प्रवेश किया है. सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को प्रदेश अध्यक्ष मानिकराव कदम इन्होंने भारत राष्ट्र समिति के दस्ती पहनाकर उन्हें अपने खेमे में शामिल कराया है. महाराष्ट्र राज्यामध्ये जवळपास 288 विधानसभा मतदारसंघामध्ये प्रचार आणि प्रसिद्धीचं काम सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आज परभणी जिल्ह्यातील परभणी शहरामध्ये जवळपास 72 वार्डापैकी आज रोजी शंकरनगर या ठिकाणचे जे काही आमचे युवक असतील त्या 100 ते 200 युवकांना भारत राष्ट्र समितीमध्ये प्रवेश केलेला आहे. आणि परभणी शहरातील 72 वार्डामध्ये भारत राष्ट्र समितीच्या शाखा करणारे आपले रहीमभाई असतील, आमचा जापर असेल, यांच्या माध्यमातून परभणी जिल्ह्यातल्या प्रत्येक वाडी वस्तीवर भारत राष्ट्र समितीच्या शाखा केल्या जाणार आहेत. भारत राष्ट्र समितीचा त्या ठिकाणी पदाधिकारी नेमले जाणार आहेत आणि भविष्यामध्ये परभणी जिल्हा हा भारत राष्ट्र समितीचा बालेकिल्ला. सेलू शहर स्थित बाहेती बिहानी न्यूतन इंग्लिश स्कूल में 5 सितंबर 2023 मंगलवार के रोज विविध सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे. क्रांति फाउंडेशन की ओर से प्रिंसिपल एनपी पाटिल, भूषण देउलगांवकर, शिक्षिका सोलापुरे, धापसे बेदरकर और अन्य शिक्षकों का सत्कार किया गया. इस समय 10वीं के छात्राओं ने शिक्षक का भूमिका निभाते हुए टीचरों का टीचर दिन मनाकर इस समय आयोजित कार्यक्रम में क्रांति फाउंडेशन के अध्यक्ष पूर्णिमा जोहिरे इन्होंने शुभेच्छा पर मनोगत व्यक्त करते हुए आभार इक्कर मैडम इन्होंने माना. इस समय छाया पाचले गांवकर, सोरना कांबड़े आदि हाजिर थे. मराठा समाज के आंदोलन को समर्थन दर्शाते हुए सकल मराठा समाज का परभणी तहसील के असोला यहां पर बेमुद्दत थिया अनशन आंदोलन जारी किया गया है. आज तारीख 6 सितंबर 2023 बुधवार के रोज परभणी तहसील के असोला स्थित सकल मराठा समाज की ओर से अंतरवाली सराटी तहसील अंबड़ जिला जालना यहां के जरांगे पाटिल और सकल मराठा समाज के भाइयों को कई सालों से जो प्रलंबित रुके हुए आरक्षण की मांग है उसे शांतता के साथ आंदोलन करते हुए आंदोलन को समर्थन दर्शाया है. आज तारीख 6 सितंबर 2023 बुधवार से परभणी तहसील के असोला यहां पर सकल मराठा समाज भाइयों की ओर से बेमुद्दत ठिया अनशन आंदोलन शुरू किया गया है. इस आंदोलन में त्र्यंबक भाव भरोसे, गजानन जोगदान, शरद जावड़े, परशुराम भरोसे, बालासाहेब जावड़े, भागवत जावड़े पाटिल, अरविंद भरोसे, मोहन जावड़े, ओंकार भरोसे, संकेत जावड़े, उस माधवराव भरोसे, हनुमान भरोसे, रामजी भरोसे आदि के साथ असोला स्थित सकल मराठा समाज के भाइयों ने आंदोलन में शामिल रहते हुए समर्थन दर्शाया है. मराठा समाजा वतीने जालना जिल्ह्यामध्ये जे जरांगे पाटलाच्या नेतृत्वाखाली उपोषण चालू आहे एकदम शांततेपणे शांततेमध्ये आणि शांततेमध्ये चालू असताना जे पोलीस प्रशासनाने जे लाठीचार्ज केला आहे याचा आम्ही प्रथम निषेध करतो आणि दुसरं म्हणजे जोपर्यंत आमच्या मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य होत नाहीत
जोपर्यंत जरांगे पाटलाचं उपोषण मागे घेत नाहीत तोपर्यंत आमचं उपोषण चालूच राहील, त्यांना एक पाठिंबा। बोरबिली गावामध्ये जे मनोज पाटील यांनी जे आंदोलन एक शांततेच्या पद्धतीने उभारलं असताना या सरकारने हे आंदोलन उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला, त्यांच्यावर लाठीचार्ज केला। या अनुषंगानं आज आसोला गावातील सर्व मराठा सकल बांधव हे आज आसोला पाटी ते उपोषणात बसले आहेत। जोपर्यंत मनोज धरांजे पाटील यांचं मान्य ज्या मराठा समाजाच्या ज्या प्रमुख मागण्या आहेत त्या मान्य जोपर्यंत सरकार नाही करणार नाही तोपर्यंत आम्ही या आसोला गावातील सकल मराठा समाज आणि सर्व युवक मराठा समाज हे आज आम्ही आसोला पाटी इथे ठिया उपोषण करणार आहेत। तरी मी जरांगे पाटील जोपर्यंत उपोषण चालू राहील त्यांचं तोपर्यंत आम्ही त्यांना जाहीर पाठिंबा आहे आमचा सर्व आसोला सकल मराठा समाजांचा। परभणी महानगरपालिका की ओर से जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया है। परभणी महानगरपालिका के खेल विभाग की ओर से आयोजित जिला स्तरीय स्कूली खेल इस प्रतियोगिता को शुरू किया गया है। इसमें बॉक्सिंग प्रतियोगिता का भी नाम दिया गया है। बॉक्सिंग प्रतियोगिता 6 सितंबर से लेकर 7 सितंबर ये दो दिन के लिए 14, 17 और 19 साल के लड़के और लड़कियों के लिए स्टेडियम मैदान के ग्राउंड पर ये प्रतियोगिता लेने की बात कही गई थी और वो टाइम टेबल भी दिया गया था, लेकिन आज 6 सितंबर 2023 बुधवार के रोज बॉक्सिंग प्रतियोगिता नहीं ली गई। इसके लिए परभणी जिला बॉक्सिंग संगठना के सचिव एवं इंटरनेशनल बॉक्सिंग कोच धनंजय बनसोड़े इन्होंने क्या कहा है, आइए जानते हैं। मैं धनंजय बनसोड़े परभणी जिला बॉक्सिंग संगठना सचिव तथा अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग कोच दिनांक 7 रोजी परभणी येथे मनपा अंतर्गत जिल्हास्तरीय बॉक्सिंग स्पर्धा याचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे, परंतु याची कुठलीही पूर्व कल्पना किंवा सूचना कुठल्याही अधिकाऱ्यामार्फत आजपर्यंत संघटनेला मिळालेली नाही आहे, त्यामुळे उद्या स्पर्धा होतील का नाही होतील हा संभ्रम आहे। आणि ह्यासाठी जे काही खेळाडूंचं नुकसान होईल, बॉक्सर्सचं नुकसान होईल, त्याला सर्वस्वी प्रशासन जिम्मेदार राहील। संघटना त्याच्यात कुठलाही दोष नाही आहे। संघटना स्पर्धा घेण्याचं काम करेल, परंतु कुठली पूर्वसूचना नसल्यामुळे संघटना स्पर्धा घेण्यासाठी असमर्थ आहे। मागच्या वर्षीही महानगरपालिकेने कुठलंही मानधन, कुठल्याही पंचचं मानधन किंवा स्पर्धा आयोजनासाठी लागणारा खर्च हा दिलेला नाही, आणि ह्या वर्षी तर अजिबात कळवलेलं सुद्धा नाही आहे। हमारे न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे लिए हुई न्यूज़ आपको सबसे पहले पहुंच सके। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।